अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आप लोगों को इतना सिंपल सा सोयाबीन रेसिपी शेयर करूंगी जो मुझे पता नहीं आप लोगों ने ऐसा कभी बनाया कि नहीं। अगर आपके पास 5 मिनट है तो 5 मिनट में ये बना सकते हो। सबसे पहले हमें सोयाबीन को थोड़ा सा नमक देके बॉईल करने लेना है। उसमें उबल आने के बाद पानी में उसे ट्रांसफ़र कर लेना है एक जूड़ी में, और ठंडा पानी से उसे धो लेना है ताकि इसके अंदर गर्म ना रहे उस टाइम पे। और फिर इधर देखिए, आलू को मैंने चौका चौका करके काट लिया है, इस तरह से 8 पीस किया है एक आलू को। और इधर मैं प्याज और जितना भी पाउडर मसाला है, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, सारे चीज़ और काली मिर्च, अक्का काली मिर्च, इसमें देके इसका पेस्ट बना लेना है। आप इसमें एक टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया। और इधर देखिए पेस्ट रेडी हो चुका है। अभी कढ़ाई पे मैंने ले लिया है तेल, और उसमें खड़ा गरम मसाला जो चाहिए वो मैंने दे दिया है, जैसे कि लौंग, इलायची, दालचीनी और तेज़पत्ता। और फिर जो पेस्ट बनाया था ना वो भी मैंने ऐड कर दिया, और इसे अच्छे से आपको फ्राई कर लेना है। और फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया मैंने, और थोड़ा सा पानी दिया ताकि जो मसाला है वो जल ना जाए। इसे अच्छे से फ्राई करना है जब तक इसका तेल ऊपर निकल ना आ जाए। फ्राई हो जाने के बाद यहाँ पर मैं जो आलू कट कर रखा हुआ था ना वो ऐड कर दूंगी, और इसमें ऑलरेडी नमक वगैरह सब दिया हुआ है, आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। फिर इसे अच्छे से फ्राई करना है, थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे ताकि आलू थोड़ा सा नरम भी हो जाए। साथ ही साथ 1 मिनट के लिए मैं ढक लेती हूँ, और ढक्कन उठाने के बाद देखिए आलू भी थोड़ा सा नरम हो चुका है अभी। और इसे और थोड़ा सा फ्राई करके इसमें हम जो सोया चंक्स रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर देते हैं सॉरी। और ऐड करने के बाद मैं ये सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और मिक्स करने के बाद ना इसे अच्छे से फ्राई करना है, और थोड़ा सा इसमें आपको पानी ऐड कर देना है। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है क्योंकि इस पानी को हमें सुखाना है जब तक आलू बॉयल भी हो जाएगा और मसाला भी अच्छे से सोयाबीन के अंदर, आलू के अंदर चला जाएगा। और इसमें थोड़ा सा चीनी मैंने ऐड किया है फ्लेवर के लिए, ये ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो। इसे ढक के थोड़ी देर पकाया, पानी भी सूख चुका है अच्छे से। देखिए आप इसे मिक्स करके अच्छे से फ्राई करके हम इसमें डाल देते हैं पानी, हमें जितना पानी चाहिए सब्जी के लिए, ठीक है। और मैं बोलूँगी कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी देना, गर्म पानी ऐड करना तो अच्छा होता है, अगर नहीं है तो ठंडा पानी ऐड करके इसे ढक के रखना 1 मिनट, जल्दी ये बॉयल हो जाएगा, वरना ये जो मतलब कंसिस्टेंसी है ये ख़राब हो जाता है। और देखिए आलू भी अच्छे से बॉयल हो चुका है। अभी हम पानी ऐड करते हैं, मेरे पास अभी ठंडा पानी है इसीलिए थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक के बॉयल करूँगी, 1 मिनट तक ढकने से चलेगा। तो पानी ऐड कर देते हैं, मैंने इतना पानी ऐड किया, आप लोग देख सकते हो, आप आपका अकॉर्डिंग पानी ऐड करिएगा। और ढक्कन उठाने के बाद देखिए इसमें उबल आ गया 1 मिनट में ही। तो उबल आने के बाद, इसमें अच्छे से उबल आने के बाद हम इसमें कोथमीर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं सिर्फ गरम मसाला पाउडर ही ऐड कर रही हूँ इसमें। और फिर इसे ना अच्छे से उबल आने के बाद हम ढक के रख देंगे गैस बंद करके, गरम मसाला पाउडर देखे, क्योंकि इसमें थोड़ा ना अभी जितना पानी आपको दिख रहा है उतना पानी रहना चाहिए, वरना ये जो सोयाबीन है ना ये पानी सारा एब्जॉर्व कर लेता है रखने के बाद। तो इसीलिए आपको मतलब एकदम कम पानी आप कर दोगे ना तो ये एकदम सूखा सूखा हो जाएगा, अगर चावल के साथ खाओगे तो इतना पानी आपको रखना चाहिए। तो अभी इसे मैं ढक के रख देती हूँ, हम लोग खाएंगे 1-2 घंटा बाद, तब तक ये पानी और सूख जाएगा। आपको रेसिपी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबसे बड़ी बात है, इस रेसिपी में मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है, पूरा जितना टाइम में वीडियो बना उतना ही टाइम लगा मुझे रेसिपी बनाने में। तो आप लोग ये रेसिपी ज़रूर घर पे ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट में बताइएगा आप लोग को रेसिपी कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे नया रेसिपी लेके फिर से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।